एसपी वर्मा। एसपी वर्मा का जन्म 1971 में बिहार के नवादा जिले के पेंजुना गांव में हुआ। तीन भाइयों में यहां सबसे बड़े हैं। प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव में ही हुई। ये शुरू से ही एक मेगावी छात्र रहे। इन्होंने एमकॉम तक की शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैशियर के रूप में इनका चयन हुआ। अपनी मेहनत और लगन की वजह से SBI में चीफ मैनेजर पद तक पहुंचे। 1994 में इनका विवाह पल्लवी से हुआ। इनके दो बेटे हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 2006 में इनके दोस्त जो अन्य बैंक में कार्यरत थे, उन्होंने RCM के बारे में बताया। SP वर्मा को प्लान देखते ही पता चल गया कि नौकरी से वह टाइम फ्रीडम और सिक्योरिटी कभी हासिल नहीं कर सकते, और उन्होंने नौकरी के साथ RCM करने का निर्णय लिया। समय समय पर वह RCM की पिन को बदलते रहे और नवंबर 2021 में उन्होंने SBI से VRS ले लिया। अब वह और तेज गति से RCM करने लगे। हमें लगता था किसी ने इनको फंसा दिया। मुझे लगता था कि RCM ऐसे लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं है, और वर्मा जी स्टेट बैंक के अधिकारी होके और RCM का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, RCM कर रहे हैं। तो बातों बातों में पता चला कि वर्मा जी ने अभी हाल ही में अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया है, तो सुनकर एक शौक सा लगा। एक चीफ मैनेजर की पोस्ट, इतना हाईली क्वालिफाइड, जहाँ पे इतनी लाखों की इनकम मिल रही है, अच्छा सेटल्ड है, उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी। सीखने की अदम इच्छा शक्ति से स्केल 1, स्केल 2 मैनेजर पद, चीफ मैनेजर, और 4 राज्यों का ऑडिट इन्होंने किया। और वर्मा सर इतने अच्छे पोस्ट जहाँ पे 2 लाख इनकम है और पेंशन की सुविधा है, उसके बाद वर्मा सर को परिवार की सुरक्षा की चिंता सता रही थी, और सर ने इसको पार्ट टाइम वर्मा जी ने इसको किया। अब उनके पास समय की आज़ादी देख रहे हैं, पैसे की आज़ादी। वाराणसी में 1 करोड़ के फ्लैट लिए हैं, बहुत अच्छे लोकेशन फ्लैट लिए हैं, एयरपोर्ट के पास है। वर्मा सर ने जो किया है, आज एक लड़के को 4200 की नौकरी करने वाले लड़के को 1.25 लाख पे पहुंचा दिया। अरे ऐसा बाहर की दुनिया में होता है क्या? नहीं। अब मुझे लग रहा है कि उस समय मेरा सोचना गलत था कि RCM बेकार लोगों का काम है, आज RCM बेकार है। लेकिन अब हमें लग रहा है कि RCM में सारी चीजें हैं। RCM में कार भी है, संस्कार भी है, घर बार भी है। जिंदगी में बाहर ही बाहर आ गए, गाड़ी है, बंगला है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब आदरणीय SP वर्मा साहब को मैंने ज्वाइन कराया, तो वर्मा साहब ने मेरे से कमिटमेंट किया था कि सर RCM के सबसे बड़े लेवल पे मैं जाऊंगा। RCM वो पारस पत्थर है जिसके माध्यम से जो पाना चाहे सब कुछ पा सकते। और आज SP वर्मा, इन्हें रूबी की पिन से सम्मानित किया जा रहा है।